दम तोड़ने से पहले बच्चों को जिंदगी दे गई शिक्षिका, करंट लगने के बाद भी जिगर के टुकड़ों को दिया धक्का। हाल फिलहाल राजधानी में रविवार में हो रही तेज बारिश के दौरान साक्षी अपने दो मासूम बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ चंडीगढ़ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची ही थी कि अचानक से उनका पैर पानी में पड़कर उनकी मौत हो गया। मौत के कारण की वजह पानी में पैर रखते ही शायद साक्षी को एहसास हो गया कि उसकी मौत आ गई है। उसने करंट लगने के बाद भी अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। पानी में गिरते ही साक्षी छटपटाने लगी। कुछ ही देर की छटपटाहट के बाद बच्चों के सामने ही उसकी सांसें थम गई। परिजन चाहकर भी उसकी मदद ना कर सके। जब तक साक्षी के पास मदद पहुंची, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही थी, इसलिए साक्षी के माता पिता और बहन ने चंडीगढ़ में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाने की योजना बनाई। 25 जून को इन लोगों ने वंदे भारत ट्रेन में आरक्षण करवाया था। शनिवार पूरा परिवार गुजरावाला टाउन में ही रुका था। बारिश तेज होते ही साक्षी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ दोनों गाड़ियों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। इन लोगों ने कार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कर ट्रेन से जाने का फैसला किया था। उसके माता पिता और भाई कार को पार्क करने चले गए, जबकि साक्षी दोनों बच्चों और बहन माधवी को लेकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगी। उसकी बहन ने परिवार वालों को बताया कि टैक्सी स्टैंड में पानी फैला हुआ था। कम पानी देखकर जैसे ही साक्षी ने पांव रखा, वे करंट की चपेट में आ गई। वह गिरकर तड़पने लगी। परिवार वालों ने बताया कि वह मरते मरते अपने मासूम बच्चों को बचाकर चली गई और उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया। बच्चे अपने सामने ही अपनी माँ को तड़प तड़प कर जान देते हुए देखते रहे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। गाड़ी को पार्क कर जब उनके माता पिता वहाँ पहुँचे तो वे हैरान रह गए। देखते ही देखते एक खुशी परिवार मातम में बदल गया। ये प्रशासन की गलती के दौरान ही किसी का परिवार उजड़ा है। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि ऐसी घटना को देखे और उन पर काम करने की जरूरत करे। ऐसे लाखों परिवार होते हैं जिनके परिवार उजड़ जाते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण एक पूरा परिवार उजड़ गया। माँ से बच्चों का प्यार छिन गया। अब वो बच्चे माँ किसको बोलेंगे? ये देखकर प्रशासन भी बहुत सदमे में है। इनकी लापरवाही के दौरान ही बोर्ड मीटिंग में देखा गया कि ये चीजें बहुत रेयर हो रही हैं। जगह जगह तारों का फैलना और ये करंट का लगना आम बात सी हो गई है। जनता को इन चीजों का मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि अनिवार्य है। अगर आप भी इसमें सहमत है, अगर आप भी प्रशासन से गुहार लगाते हैं एक माँ को बच्चे के लिए कुछ मुआवजा के लिए बोलना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये इंसाफ चाहिए, इनकी माँ के खिलाफ इंसाफ चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन इनके बच्चों का आगे फ्यूचर संभाल सके। ऐसी वीडियो के अपडेट हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।